सलमान खान का ब्रेसलेट तो आपको पता ही होगा, ये वही ब्रेसलेट है जो कभी भी वो अपने आप से अलग नहीं करते। ये ब्रेसलेट उनके पिता ने उनकी करियर की शुरुआत में उन्हें दिया था और इसे वो अपना लकी चार्म मानते हैं। इसके बिना वो कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अब ये न्यूज़ पुरानी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ईद के मौके पर जब अपनी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बैल्कनी में सलमान खान लोगों को ग्रीट करने के लिए आए थे, तो कुछ रिपोर्टर्स ने उनके हाथ में ये ब्रेसलेट स्पॉट नहीं किया और उसी दिन ये ब्रेसलेट आमिर खान के हाथों में देखा गया था। आमिर खान भी ये सेलिब्रेट करने के लिए, ईद सेलिब्रेट करने के लिए सलमान के घर पे आए हुए थे और ये ब्रेसलेट आमिर के हाथ में देखा गया। तो खबरों की माने तो ऐसा सोचा जा रहा है कि आमिर के लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के बाद आमिर काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड थे और उन्हें मोटिवेट करने के लिए ही सलमान ने अपना लकी चार्म उन्हें दिया है। लेकिन अब क्योंकि ये सलमान का लकी चार्म है तो लोग इससे काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कहीं वो दूसरों की भलाई करने के चक्कर में अपना काम ना बिगाड़ लें। अभी उनकी बहुत सारी फिल्में लाइंड अप हैं जैसे कि किक 2, टाइगर 3 और इन सभी फिल्मों के लिए उन्हें इसकी ज़रूरत है। हाँ, उन्होंने इस फिल्मों के लिए बहुत सारी मेहनत तो की है, तो इसका होना ना होना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इसका होना या ना होना उनके लिए मायने रखता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। आप सभी को ईद मुबारक, ये संदेश दिया है भाईजान ने इस बार ईद के मौके पर। भले ही इस साल भाईजान अपने बैल्कनी से अपने घर में ही रहकर ईद मना रहे हो, लेकिन अगले साल के ईद के लिए उनके प्लान्स बहुत ही बड़े हैं। उन्होंने किक 2 रिलीज करने का सोचा है अगली ईद पर और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो पुलिस ऑफिसर और ये सारे रोल्स निभाकर, एजेंट वाले रोल निभाकर अब तंग आ चुके हैं। उन्हें कोई ऐसा रोल चाहिए जिसमें वो फ्रीली काम कर सके और मनोरंजन भी कर सके। इसीलिए अब क्योंकि फिर से उन्हें एक बैड बॉय के रूप में आने का चांस मिल रहा है, एक चोर के रूप में एक नेगेटिव किरदार निभाने का चांस मिल रहा है, तो किक 2 के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल किसी थिएटर में जाके भाईजान अपने फैंस को चौंका दे। क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। आप किक 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पलखरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।